हेलो जी भैया जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस ऑल आर फाइन। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TVS राइडर 125cc के बारे में, फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल देने वाला हूँ। और मैंने अभी तक इस गाड़ी को 9000 किलोमीटर प्लस चला चुका हूँ, तो मेरा पर्सनली क्या ओपिनियन रहेगा इस गाड़ी को आपके बारे में, लेना है नहीं लेना है। और 125cc किस रेंज में भैया जी ये सबसे बेस्ट गाड़ी है अभी तक ऐसा माना जाता है। आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे तो भैया बताएगा कि 22-23 के साल में ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा सेल हुआ है 125cc में। एक स्पोर्टी लुक है गाड़ी का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 125cc गाड़ी के बारे में, पूरा रिव्यू और पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। मेरा पर किलोमीटर चलाने के बाद मेरा कितना अभी तक का फ्यूल कॉस्ट गया है, कितना मेरा सर्विस में गया है, तो वो सारी चार्ज इस वीडियो में दूंगा। तो फाइनली अभी वो रही अपनी गाड़ी, वहाँ पे खड़ी है TVS राइडर 125cc, जिसको मुझे अभी लिए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ से 7 मंथ हो गया है मैंने लिया। TVS राइडर 125cc गाड़ी, और इस गाड़ी में मैं आपको आज फुल रिव्यू देने वाला हूँ आफ्टर 9000 किलोमीटर। ये गाड़ी क्या, कितना एक्सपीरियंस है मेरा इस गाड़ी को लेने के बाद, और 9000 किलोमीटर अभी तक मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। तो अभी तक TVS राइडर 125cc में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 कलर मिलता है, परचेस किया था। रेड एडिशन में एक मिलता है आपको, एंड दूसरा आपको मिलता है ब्लैक में मिलता है, और तीसरा एक येलो में मिलता है, और हाँ एक चौथा भी कलर है जो है ऑलमोस्ट ब्लू या मरून टाइप का कुछ कलर है। तो ये 4 वेरियंट में आपको TVS राइडर 125cc की बाइक मिल जाती है। अब सबसे पहले इस बाइक के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 17 इंच का 2 टायर मिल जाता है, एलॉय व्हील मिल जाता है जो कि ट्यूबलेस टायर है। ये रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे TVS का यहाँ लोगो लगा है। और फ्रंट में बात किया जाए तो गाड़ी का कुछ ऐसा है, यहाँ पे LED लाइट मिल जाती है आपको इस टाइप की, जो आपको यहाँ पूरा LED का सेगमेंट है। 6S गाड़ी होने की वजह से ये LED लाइट हमेशा से ऐसे चमकती रहती है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले इधर TVS का लोगो मिल जाता है गाड़ी के फ्रंट में, सेम यहाँ पे भी R मिल जाता है। यहाँ पे 2 आपको साइड लाइट मिल जाता है इंडिकेटर, और ये पूरा ब्रेकिंग का सिस्टम है इस गाड़ी में। आपको 2 ब्रेकिंग का सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक है और पीछे वाला डम्प ब्रेक है। तो ये इस हिसाब से कुछ गाड़ी का सिस्टम है। और यहाँ पर अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम अगर आते हैं तो यहाँ पर बड़ा सा राइडर का लोगो लगा हुआ है। राइडर का लोगो लगे होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब हॉर्स का सिम्बोल लगा हुआ है। सेम यहाँ पर भी TVS का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। गाड़ी के बारे में बात करें तो ये इंजन है, आफ्टर 6 से 7 मंथ गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में चली है। अभी मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ कि क्या कैसा इसका मेरा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे मेरा पूरा गियरिंग का सिस्टम लगा हुआ है, ये पूरा इंजन है यहाँ पे 85 करके यहाँ पे भी इसका लोगो लगा हुआ है। इसका जो फ्यूल का टैंक है वो ऑलमोस्ट है 10 लीटर के आसपास, इसका फ्यूल का कुछ टैंक है। मैं आपको बता दूँ जब भी मैं इस गाड़ी का फ्यूल फुल करवाता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा ये गाड़ी ऑलमोस्ट 850 से 900 रुपये के बीच में मेरा ये टैंक पूरा फ्यूल हो जाता है, एज़ पर अभी जो भी फ्यूल का रेट चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट 100 या 105 रुपीज़ कुछ फ्यूल चल रहा है, तो मैं इसको फुल ही करवाता हूँ हमेशा से। तो यहाँ पे आपको एरा फ्यूल का ये ढक्कन है, यहाँ से आप खोल के इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा भैया जी, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, और तीसरा यहाँ पे आपको इस गाड़ी के सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। ये अपनी गाड़ी की डिस्प्ले ऑन हो गई है। तो ये रहा अभी गाड़ी हमारी सेकंड गियर पे, अभी फुल है हमारी गाड़ी का टैंक। और इस गाड़ी में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, गाड़ी का जब ये साइड वाला स्टैंड लगा रहता है तब तक ये गाड़ी नहीं चालू होती है। इस गाड़ी का सिस्टम है, यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे देन ये गाड़ी स्टार्ट होगी। यहाँ पर सारी चीज़ मैं अभी आपको फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर ये रहा, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। यहाँ पे पास का इंडिकेटर है, ये साइड लाइट है, और ये लेफ्ट लाइट का ये इंडिकेटर। यहाँ पे ये हॉर्न का आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है। सेम यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट गाड़ी मिल जाती है। इस गाड़ी की क्वालिटी सिस्टम नहीं दिया है, सेल्फ स्टार्ट वाली है। कभी भी बाई चांस अगर आपका गाड़ी का बैटरी लो होता है तो आप सेकेंड गियर में गाड़ी को थोड़ा सा पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी चालू हो जाता है। ऐसा अपना इको और पावर मोड पर गाड़ी यहाँ पे अपनी 2 मोड पे चलती है, एक इको मोड होता है, एक पावर मोड होता है। इको मोड जो होता है, आप अगर सिटी में राइड कर रहे हो तो इको मोड बेस्ट है एवरेज के हिसाब से। और पावर मोड है जो आप हाईवेज पे जब आप गाड़ी चलाए तो उसके लिए बेस्ट है। पावर मोड पे का जो सिस्टम है ना भाई साहब, वो इको और पावर में ज़्यादा एवरेज का कुछ फ़र्क नहीं होता, मैंने नोटिस किया है लास्ट 6 मंथ में, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर का कुछ फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एरा कुछ डिस्प्ले, यहाँ पे आपको एक लोगो मिल जाता है हॉर्स का। एरा अपना यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्प्ले TFT वाला डिस्प्ले है, यहाँ पे TVS राइडर 125cc।
मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तक हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट चल चुकी है 9087 किलोमीटर कुल चल चुकी है। और यहाँ पे इसका मैं फंक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दो बटन्स मिल जाते हैं जिसमें एक है मोड का बटन है और एक यहाँ पे सेट का बटन है, देखते हैं यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रिप ए, ये देखिए मैंने मोड का बटन दबाया, ट्रिप ए ट्रिप बी, और यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी का फ्यूल पूरा है तो अभी तक इसमें दिखा नहीं रहा है कि कितने किलोमीटर जाएगा। बट ये ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँ, जब भी इसमें अगर एक भी कांटा फ्यूल का कम होता है तो ये 400 से 500 किलोमीटर जाता है उसके बाद में, एज़ फॉर ये डिस्प्ले के हिसाब से। और यहाँ पे आगे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी मेरी गाड़ी क्या कितनी एवरेज दे रही है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी, और ये रेंज है कि इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर अपनी गाड़ी जाने वाली। देन यहाँ पे आपको एवरेज मिल जाता है जो कि 63 का मुझे अभी पर्सनली एवरेज मिल रहा है एज़ पर कंपनी। जब मैंने इस गाड़ी को परचेस किया था 6 मंथ बिफोर, तो कंपनी ने हमको क्लेम किया था 68 के आसपास आपको इसका एवरेज मिल जाता है, और इसका ऑफिशियल भी 68 लिखा हुआ है। जब मैंने इस गाड़ी को परचेस किया था ऑलमोस्ट मुझे उस टाइम पे 65-66 मिलता था। बट थोड़ी सी क्या है कि मैं सिटी में गाड़ी चलाता हूँ और मेरी गाड़ी थोड़ी स्पीड में रहती, इसीलिए मुझे थोड़ा सा एवरेज कम मिलता है। बट मेरे लिए ठीक है, 63 के मेरे लिए गाड़ी का एवरेज मिलता है। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया, डिस्प्ले का फंक्शन हो गया। यहाँ पे आपको की का सेक्शन मिल जाता है ऑफ, यहाँ पे आपको की का सेक्शन मिल जाता है ऑफ ऑन, और यहाँ पे फिर एक ही यहाँ पे लॉक लॉक कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे सेम TVS का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाता है। बात करें तो यहाँ पे दो सीट्स मिल जाती है, कंफर्टेबल आपको सीट्स मिल जाती है। अभी सीट्स के मैं बारे में बात करूँगा, तो इस गाड़ी में एक अच्छी चीज़ है, मुझे नहीं पता दूसरों गाड़ी में है कि नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस गाड़ी में इस टाइप का कुछ डिक्की का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका पूरे गाड़ी का छोटा मोटा जो आपका ये RC बुक है PUC है, तो वो सब चीज़ आप रख सकते हो, और ये काफ़ी सही है। मतलब बारिश के टाइम पे अंदर पानी तो नहीं जाता है, तो यहाँ पे इसको खाली नॉर्मल सा पुश करना है। यहाँ पे हमारा ये लॉक हो चुका है, स्पेस रेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे एक पैर रख सकते हैं यहाँ लेडीज़ों के लिए। गाड़ी का बैक साइड का एरिया है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ये की का सेक्शन मिल जाता है जिससे आपका बैक साइड का सीट ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो सेम साइड इंडिकेटर है, और यहाँ पे भी उस टाइप का TVS का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे TVS लिखा हुआ है। और थोड़ा सा 70 इंच का टायर मिल जाता है, अलॉय व्हील टायर के साथ में मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर है जो काफ़ी सही है। यहाँ पे साइलेंसर आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे लेग स्पेस है, और यहाँ पे ये जो बाइक में है डिस्क ड्रम ब्रेक है, जब भी आप बैक साइड वाला ब्रेक पुश करते हो तो ऑटोमेटिक आगे वाला जो ब्रेक है वो 25% कुछ ऑटोमेटिक लग जाता है। यहाँ पे आगे सेम देखेंगे तो यहाँ पे राइडर का बड़ा सा लोगो लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम आपको TVS का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो TVS इंटेलिगो का यहाँ पे भी ब्रांडिंग मिल जाता है, तो आगे यहाँ पे भी आपको एक फोर्स का लोगो मिल जाता है। और ये रहा अपना फ्रंट का व्हील का, यहाँ पे डिस्क ब्रेक है, पीछे वाला ड्रम है। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे इंडिया का तिरंगा मिल जाता है, ऑरेंज वाइट और ग्रीन के फ्लैग के साथ में। हेलो जी, अभी मैं आपको इस गाड़ी के अंदर बता देता हूँ कि अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर पे क्या कितना फ्यूल भरवा चुका हूँ। मैंने 9000 ऑलमोस्ट जो फ्यूल का खर्चा आया है वो ऑलमोस्ट आया है 6.5-7 हज़ार के रुपया है। ये मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, इससे आगे पीछे भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट इतना है सॉलिड है, क्योंकि हर मंथ मैं इसका एक लिस्ट बनाता हूँ क्या कितना मेरा इसका लगा है। और आप मोटा मोटा समझ लो 3000 से 3500 रुपये इस गाड़ी का सर्विस का लगा है, जो 9000 किलोमीटर पे। कंपनी की तरफ से आपको 3 सर्विस फ्री मिलती है, जो मुझे मिला था आपके 8000 किलोमीटर में मैंने 34 सर्विस करवाया था। हर 1000 या 1500 किलोमीटर में मैं इसके एक बार सर्विस करवा देता हूँ, उस हिसाब से मेरे अभी 9000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 4 बार सर्विस भी हो गई है। और मैं इस गाड़ी की एवरेज की बात करूँ ना, तो मुझे एवरेज काफ़ी सही मिलता है। एक आपको TVS राइडर 125 cc की गाड़ी की रेंज में आपको एक स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी मिल जाती है यहाँ पे, जो काफ़ी बढ़िया है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा जो 125 cc की गाड़ी में, और काफ़ी सही रेट है इस गाड़ी का, ज़्यादा नहीं। मैंने जब इसको 6 मंथ बिफोर परचेस किया था तब इसका कुछ कॉस्ट था 1,11,000 के समथिंग था, और 1,11,000 के समथिंग था। और अभी इस गाड़ी का ऑलमोस्ट होगा मे भी शायद 1,15,000 के आसपास कुछ इसका होगा। बट अभी जो इसके अंदर एक अपडेटेड मॉडल आ गया विथ ब्लूटूथ सिस्टम आ गया, मेरा विदाउट ब्लूटूथ सिस्टम था। तो ये कुछ गाड़ी का ऑलमोस्ट 6.5-7 हज़ार हमारा फ्यूल लग गया है, 3000 से 3500 के करीब हमारा इसमें सर्विस का कॉस्ट लग गया है, जो कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 10,000 रुपये हमारा अभी तक लग गया है लास्ट 6 मंथ के अंदर। और गाड़ी काफ़ी सही कंडीशन में चल रही है, एवरेज भी गाड़ी का काफ़ी सही है। कंपनी क्लेम का आपको करता है 68 का, बट मुझे इसका अभी मिल रहा है राइट ऑफ 63 का।
अब आप गाड़ी को किस हिसाब से चलाते हैं, क्या है कैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप अच्छी कंडीशन में चलाएंगे तो आपका एवरेज और प्लस भी हो सकता है, 65, 66, 67 तक भी आप सबका जा सकता है। मेरा लास्ट गया था जब मैंने गाड़ी न्यू परचेज किया था, ऑलमोस्ट 66 तक जाता था, बट अभी मेरा राइट नाउ 63 चलता है। तो ये गाड़ी के कुछ डिटेल्स थी जो आप लोग को मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के पास टीवीएस राइडर 125 सीसी बाइक है या नहीं है, और अगर आप भविष्य में लेना चाहते हो जरूर बताइएगा। आपको ये फुल डिटेल वीडियो कैसा क्या लगा जरूर बताइएगा। आफ्टर 6 मंथ मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के प्रति काफ़ी सही है, एवरेज के हिसाब से, एक लुक के हिसाब से काफ़ी सही सिस्टम है अपना। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अपने जाके ब्लॉग्स देख लीजिएगा आपसे ऐसे किसी बढ़िया वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।